जनपद संभल के नखासा थाने में पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच की ऑनलाइन सट्टेबाजी करने के आरोप में 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 10,200 रुपए कैश, 12 मोबाइल फोन, 1 एलईडी, 1 रिमोट व 1 सेटअप बॉक्स, 3 रजिस्टर व 2 पेन बरामद किए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया है, लेकिन 3 लोग मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस बाकी की तलाश में जुटी है। आईपीएल क्रिकेट मैच की ऑनलाइन सट्टेबाजों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि यूपी पुलिस इन दिनों आईपीएल क्रिकेट मैच की ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वालों के खिलाफ अभियान चला रही है। संभल जनपद के पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद के निर्देश पर संभल जिले में भी पुलिस आईपीएल क्रिकेट मैच का ऑनलाइन सट्टा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही में जुटी है। पिछले हफ्ते भी क्रिकेट की ऑनलाइन सट्टेबाजी करने के आरोप में अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है। संभल जिले में आईपीएल क्रिकेट मैच की ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार चलाया जा रहा है। जी, एसपी संभल महोदय के डायरेक्शन पे जनपद संभल में अपराधियों की धरपकड़ का अभियान चल रहा है। इसी क्रम में थाना नखासा क्षेत्र में तिमरदास सराय के पास साजिद हुसैन के घर पर आईपीएल का सट्टा लगाए जाने की सूचना थी। सूचना को पुख्ता करते हुए हम लोगों द्वारा नखासा पुलिस द्वारा प्रभावी रेड की गई, तो इसमें साजिद के साथ अन्य 4 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं। तो 3 अभियुक्त तो फरार हो गए हैं वहाँ से, जिनके कब्जे से एक LCD, 10,000 के लगभग रुपए और मोबाइल फ़ोन आदि जो IPL सट्टे में प्रयुक्त होते हैं, ये सामान प्राप्त हुआ है और ये कार्रवाई लगातार सतत रूप से अपराधियों के विरुद्ध जारी रहेगी। सर, इलाके में सर दूसरी जगहों पर भी जैसे IPL की सट्टेबाजी है, तो जो क्या वहाँ पर भी कार्रवाई की जा रही है? जी, जहाँ से भी सूचना प्राप्त हो रही है, सूचना को वेरीफाई कर और भी सतत रूप से प्रक्रिया जारी रहेगी। अपराधियों के विरुद्ध ये अभियान लगातार जारी रहेगा।